आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला संभल के ब्लॉक असमौली के गांव नरेठा मोहम्मदपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 70 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 12 किलोमीटर है। 1300 वोट और 4000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान श्रीमती समीरन ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। बताते चलें कि जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूरी पर इस छोटे से गांव में सड़क निर्माण, स्कूल सौंदर्यकरण, सोलर लाइट जैसा भरपूर विकास गांव में देखने को मिल सकता है। ये गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। ग्राम प्रधान श्रीमती समीरन और सचिव अशोक कुमार के सहयोग से इस गांव में काफी विकास कराया गया है। इन्होंने अपने इस कार्यकाल में गाँव को किस तरह से सजाया है और क्या समस्याएं अभी भी बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधान पुत्र की जुबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक असमौली के नरेठा मोहम्मदपुर ग्राम पंचायत में। यहां ग्राम प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य गांव में करवाए गए हैं, किस तरह से लॉकडाउन के चलते कोरोना काल में यहाँ लोगों की मदद की गई है या क्या कोशिशें इनकी आगे समय रहते जारी रहेंगी, इस सब के बारे में जानकारी हम यहाँ ग्राम प्रधान से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं प्रधान जी से, ग्राम प्रधान पुत्र से। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि ये कार्यकाल आपका पूरी तरह से समाप्ति की ओर है, अब लगभग कुछ ही समय बाकी बचा है, तो दो चार महीने ही है, लगभग पौने पाँच साल साढ़े चार साल बीत चुके हैं। इस बीते हुए समय में अब तक अपने ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास कार्य करवा दिए हैं? हमने शौचालय बनवाए और टाइल्स बिछवाई, कुछ खंजे लगवाए, तो सभी काम कराए। रास्ते जैसे यहाँ पर आपने ठीक करवाए हैं तो लगभग सभी रास्ते गाँव के पक्के हो गए, अभी भी कच्चे रास्ते? अभी कुछ बाकी रह गए, अभी कच्चे रास्ते हैं यहाँ पे। कितने मीटर सीसी से लगभग पूरा गांव जो है पूरी तरह से पक्का हो जाएगा, जहाँ कीचड़ मुक्त जिसको बोलते हैं? सीसी पे ऐसा मान लो 1/3 से ज्यादा हो चुका जी। आवास मिले हैं लोगों को? जो आवास कोई नहीं, दो आवास आए थे। तो कितने परिवार यहाँ ऐसे होंगे जिन्हें आवास की जरूरत है? कम से कम 40 परिवार। अब इस समय में 2016 में आपने उनकी छुट्टी जारी कर दी है, पेंशन वगैरह मिल रही है लोगों को? पेंशन मिल, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, ये सब बनने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, सभी के बनने में। जैसे स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट लगवाई है गांव में? जी लगवाई है। 100 नंबर, 102 नंबर की सुविधा समय पर मिल जाती है? समय मिलती है। यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है गाँव में? सफाई कर्मी आते हैं रेगुलर? कहीं पर गंदगी का ढेर या कूड़े के ढेर इस तरह का कोई माहौल तो गाँव में नहीं है बना हुआ? स्कूल पर क्या क्या काम करवाए हैं? जैसे कि कायाकल्प मिशन जो सरकार ने चलाया है उसके अंतर्गत स्कूल में भी काफ़ी हद तक ग्राम पंचायत में स्कूल के हालात काफ़ी सुधर गए हैं, तो आपके स्कूल में क्या क्या विकास है? स्कूल में हमने कमरों की मरम्मत कराई है, स्कूल में टाइल्स लगवाई है और स्कूल के चारों तरफ की बाउंड्री कराई है, और आंगनबाड़ी की एक पुराना आंगनबाड़ी था उसकी मरम्मत जी। अभी तो जैसे कि लॉकडाउन है, स्कूल भी सभी बंद हैं, लेकिन अब से पहले जब स्कूल चालू अवस्था में थे, चालू थे, उस समय में आप स्कूल में समय देते थे? जैसे मिड डे मील वगैरह बच्चों को ठीक से मिल रहा है कि नहीं, या पढ़ाई का जो लेवल है अब इतना है, सौंदर्यकरण करवाया है, इसमें जाहिर है कि कुछ ना कुछ फ़र्क हम देखते भी हैं कि बच्चों की संख्या बढ़ी है या पढ़ाई का लेवल अच्छा हुआ, तो आप समय देते हैं स्कूल में? पढ़ाई तो बड़े नंबर एक हो गया, पहले से बहुत सुधार आ गया पढ़ाई का। जब से ये ऐसा मान लो सरकार में चेंज हुआ है तो पढ़ाई पे सख्ती हो गई है, मास्टर भी सही से ध्यान दे रहे हैं। मतलब आप मानते हैं कि इसका फर्क यहाँ बच्चों की बच्चों शिक्षा में देखने को शिक्षा में बहुत फर्क है? सरकारी बिल्डिंग में यहाँ स्कूल के अलावा बारात घर, पंचायत घर है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अस्पताल? नहीं अस्पताल। कितनी दूर है यहाँ? यहाँ से ऐसा मान लो पास में असमौली करीब 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर से पहले कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं? तो फिर अगर परेशानी तो क्या था, फिर असमौली आना पड़ता है, फिर संभल जाना। आपने कभी कोशिश नहीं की कि कोई स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बनवाया जाए? सुविधा नहीं हुई आज तक जी। मतलब यहाँ पर अस्पताल को लेकर के कोई खास ध्यान दिया नहीं? ध्यान जी। तो अब अपने गांव को और ज़्यादा विकसित करने के लिए, सुंदर करने के लिए क्या प्रमुख मांग सरकार से आप रखना चाहेंगे? हम तो ये चाह रहे हैं नंबर एक हो जाए गाँव में, ज्यादा अच्छा हो जाए। उसमें क्या लगता है आपको, किस तरह की कमियां यहाँ गांव में अभी देखते हैं कि सरकार की तरफ से चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले, तो कुछ आपके योजनाओं में शामिल होगा, कुछ विचार आपने रखे हुए हैं कि अगर सरकार की तरफ से पैसा ज़्यादा आएगा या सरकार की मदद मिलेगी तो गाँव में सरकार विकास कराएंगे? सरकार ने ध्यान तो सही दे रही है, तो ये कोरोना नहीं आता तो ऐसा मान लो कम से कम 15% और गाँव में सुधार आया। जो निधि थी वो रुक गई तो इसलिए थोड़ा काम पर रोक लग गई।
जैसे ये महामारी फैली हुई है तो अपने गांव वासियों को आपने किस तरह से जागरूक किया है अब से पहले या अभी भी हम समझते हैं कि जागरूक लगातार लोग कर रहे हैं, तो आपकी क्या भूमिका रही इसमें? हमारी भूमिका ये रही कि वो अपने शांतिपूर्वक रहें, घर में रहें, 2 मीटर की दूरी बनाए रखें, लॉकडाउन का पालन करें, इसका उल्लंघन नहीं करें। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान पुत्र से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इस बीते कार्यकाल में यहाँ करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, खरंजा निर्माण, लेकिन अभी भी कुछ रास्ते यहाँ कच्चे बाकी हैं, जो उम्मीद है कि आगे समय रहते में वो पूरे पक्के हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ लगभग 40 परिवार ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है, केवल 2 आवास यहाँ इस ग्राम पंचायत में लोगों को मिले हैं। स्कूल में कार्यक्रम के अंतर्गत काफी सौंदर्यकरण करवाया गया है, जिसका प्रभाव और जो बदलाव जो है यहाँ शिक्षा में और बच्चों की संख्या में देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ समस्याओं की बात करें तो बहुत सी मूलभूत समस्याएं यहाँ बाकी हैं, जैसे कि बारात घर, पंचायत भवन जो यहाँ निर्मित नहीं है, सामुदायिक केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र जो यहाँ से 12 किलोमीटर तक कोई भी स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा यहाँ के ग्रामवासियों को नहीं मिलती है। वक्त बेवक्त अगर किसी को परेशानी या दिक्कत हो तो 12 किलोमीटर दूर सरकारी अस्पताल असमौली जाना पड़ता है। ये यहाँ के ग्रामवासियों के लिए खासी परेशानी का कारण हो सकता है। अशरफ अली के साथ नाजरीन को देखो। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस। कहाँ के रहने वाले हो? राइट मोहम्मदपुर। अच्छा, यहाँ पे 4.5 वर्ष से ज़्यादा हो गए ग्राम प्रधान जी के कार्यकाल को जी। विकास को लेकर के क्या कहना चाहोगे? विकास को लेकर के वैसे काफ़ी अच्छा हुआ है जी, जैसे कि कॉलेज था हमारे यहाँ पर, अच्छा मतलब काम दिखा दिया है, कुछ सड़कें भी डलवाई गई हैं, कुछ अधूरी हैं। मतलब इनके कार्यकाल से सहमत हो आप? हाँ, मतलब सहमत ही हैं।